हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त अजय और मेरे चैनल पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं विज्ञान विषय के लिए पाठ योजना लेकर के आया हूं, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, सर्वप्रथम ऊपर पाठ योजना संख्या लिख दीजिएगा, फिर नीचे विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय में शिक्षण कार्य करने के लिए जाएंगे आप, उस विद्यालय का नाम लिखा जाएगा। फिर नीचे 5 कॉलम बना लेंगे, जिनमें दिनांक, कक्षा, विषय, कालांश, अवधि, इसको आपको भरना रहेगा। दिनांक डाल दीजिएगा, जिस कक्षा को पढ़ा रहे हैं उसको डाल दीजिएगा। विषय हमारा देखिए विज्ञान है। कालांश जो रहेगा, जो पीरियड चलेगा, उसको लिख दीजिएगा। अवधि, घंटी कितने मिनट की है, उसको लिख दीजिएगा। आज का हमारा प्रकरण है दोस्तों, पदार्थ की अवस्थाएं, ये हमारा प्रकरण है। उसके बाद सामान्य उद्देश्य, विज्ञान का सामान्य उद्देश्य क्या है दोस्तों, वही इसमें रहेगा। बच्चों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि जागृत करना, बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, बच्चों को उनके परिवेश से जुड़ी वस्तुओं के गुणों का ज्ञान प्राप्त होगा, बच्चों में जिज्ञासा उत्पन्न करना, बच्चों में तार्किक क्षमता का विकास करना, ये दोस्तों सामान्य उद्देश्य हो जाएगा। फिर उसके नीचे विशिष्ट उद्देश्य रहेगा। विशिष्ट उद्देश्य में छात्रों को पदार्थ तथा पदार्थ की सभी अवस्थाओं की जानकारी प्राप्त होगी। फिर नीचे सहायक सामग्री रहेगी, ये टीचिंग लर्निंग मटेरियल का आप लिखेंगे, जिक्र करेंगे कि क्या लेकर जा रहे हैं। तो देखिए, कक्षा उपयोगी उपकरण जैसे गेंद, पानी से भरी गिलास, सेंट अर्थात इत्र की बोतल, पेपर वेट आदि। फिर इसके नीचे रहेगा पूर्व ज्ञान, बच्चे क्या जानते हैं इस पाठ से संबंधित। तो बच्चे अपने आसपास की वस्तुओं से परिचित हैं, ये उनका पूर्व ज्ञान हो जाएगा। फिर उसके बाद आप प्रस्तावना प्रश्न बच्चों से करेंगे। तो इसमें देखिए दोस्तों, 3 कॉलम बना लीजिएगा, क्रम संख्या छात्र अध्यापक क्रिया और छात्र क्रिया। पहले पूछा जाएगा क्रम संख्या 1 पे, तुम्हारे आसपास कौन सी वस्तुएं हैं। तो बच्चा अगल बगल देखेगा, बताएगा कि कुर्सी है, मेज है, पानी की बोतल, जो भी वह देखेगा वो बताएगा। फिर वहीं से आप प्रश्न दूसरा करिएगा, कुर्सी किस चीज की बनी है। तो बच्चा बताएगा कि लकड़ी की बनी है या प्लास्टिक, जो भी। उसके बाद उसी से प्रश्न बना लीजिएगा कि लकड़ी कौन सी अवस्था में है। तो बच्चा मौन हो जाएगा, यही समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। फिर आप उद्देश्य कथन कहेंगे। उद्देश्य कथन में बच्चों, आज हम लोग पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर उसके बाद प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुतिकरण में आप 4 कॉलम बनाइएगा, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया और श्यामपट्ट कार्य। अब शिक्षण बिंदु में पहला आप यहां देखिए दर्शाया गया है कि पदार्थ की परिभाषा व उदाहरण। अब इसमें छात्राध्यापक बच्चों को इसके बारे में बताएगा। तो फिर अध्यापक कथन में, पदार्थ वह है जो स्थान घेरता है, जिसमें द्रव्यमान होता है तथा जिसका ज्ञान हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, जैसे लोहा, पत्थर, जल, वायु आदि। अच्छा, छात्र क्रिया में छात्र अध्यापक कथन को ध्यान पूर्वक सुनेंगे। और यहां श्यामपट्ट कार्य तीसरे में है, चौथे में श्यामपट्ट कार्य, इसमें आप लिख दीजिएगा जो भी लिखना होगा कि हमारे आसपास की सभी वस्तुएं पदार्थ ही हैं, ये श्यामपट्ट कार्य हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए, अब इसी शिक्षण बिंदु को बढ़ाइए और आगे। फिर आगे देखिए क्या है, पदार्थ की अवस्थाएं। अब इसके बारे में अध्यापक कथन में आप कहेंगे कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट, गैस द्रव अवस्था, लिक्विड स्टेट, गैस अवस्था, गैस स्टेट। छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे। फिर उसके बाद ठोस अवस्था, शिक्षण बिंदु ठोस अवस्था रहेगा। इसमें अध्यापक कथन में, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें पदार्थ का आकार, आयतन निश्चित होता है, ठोस अवस्था कहलाता है। बच्चों को बताइएगा कि ठोस अवस्था में पदार्थ का आकार भी निश्चित होता है और आयतन भी निश्चित होता है, जैसे उदाहरण में लकड़ी है, लोहा, पत्थर, कुर्सी आदि। छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे। फिर उसके बाद द्रव अवस्था, द्रव अवस्था में अध्यापक कथन है, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार अनिश्चित होता है, जैसे जल,
तेल दूध आदि, छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे। इसमें सांपटकार में देखिए है, द्रव में बहने का गुण होता है, इसलिए वे जिस पात्र में रखे जाते हैं उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं। फिर गैस अवस्था, गैस अवस्था में देखिए अध्यापक कथन, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका आकार व आयतन दोनों अनिश्चित होता है, जैसे इत्र, वायु, ऑक्सीजन आदि, छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे। फिर उसके बाद देखिए आगे आप बोध प्रश्न करेंगे बच्चों से, तो बोध प्रश्न में देखिए नंबर एक, ठोस अवस्था किसे कहते हैं, नंबर दो, द्रव अवस्था में क्या अनिश्चित होता है, तीसरा, गैस अवस्था में क्या क्या अनिश्चित होता है। फिर उसके बाद मूल्यांकन प्रश्न होगा, मूल्यांकन प्रश्न में बच्चों से पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तीन गैसी पदार्थों का नाम बताओ, द्रव जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं क्यों, ऐसे आप और प्रश्न बना करके बच्चों से पूछिएगा। फिर श्यामपट्टकार, छात्राध्यापक बच्चों से श्यामपट्टकार को उतारने के लिए कहेगा। फिर निरीक्षणकार, निरीक्षणकार में छात्राध्यापक छात्रों की कॉपियों का निरीक्षण करेगा कि वह श्यामपट्टकार कॉपी में उतारे हैं या नहीं। फिर नीचे गृहकार्य, गृहकार्य में बच्चों को घर के लिए काम दे देंगे, ये ठोस, द्रव, गैस तीनों पदार्थों की सूची बना करके लाना है। फिर उसके नीचे हस्ताक्षर पर्यवेक्षक और एक जगह हस्ताक्षर छात्राध्यापक रहेगा। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक बटन जरूर दबा दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही यूजफुल वीडियो मैं लेकर के आता रहता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।